विजुअल्स कर लेते हैं। इधर इधर मम्मा थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, आओ ना अभी हो गई अभी इंटरव्यू लेके आते हैं दोबारा। इधर वाले इस साइड भी देते, इस साइड भी देते, इस साइड भी देते। डन गाइस, डन गाइस, इस साइड आइए, इस साइड आओ। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, इतना प्यार आपको मिलता है आज देख ही रहे हो। मैं ये बोलूँगा कि कोई भी इंसान जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, जिसके पास चाहे जरिया है या नहीं है, उसको लगता है वो कहीं से भी उठ के आके कुछ भी बन सकता है। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने एटलीस्ट इतना तो कर लिया कि आप लोग सब मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतना प्यार देने वाले लोग हैं, तो मैंने कुछ तो हासिल कर लिया, इतना मैं कह सकता हूँ। कुछ नहीं, मेरा ही मन था कि ऐसे सबको मिले, ये सबसे अच्छे से मिले, तो मैंने बोला इसको करना है। बर्थडे इसका कल था बट हमने आज किया क्योंकि मैं चाहती थी। इनको बताया नहीं था हमने, मुझे सरप्राइज नहीं, मुझे हिंट तो हो गई थी क्योंकि मेरे को, मैं सरप्राइज तो नहीं हुई इतना क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बट मतलब ठीक है यार, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ पार्टीज में ना, लेकिन ठीक है, अब है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई देखते हैं अंदर क्या होने वाला है, पता नहीं मेरे को एक्चुअली। नहीं, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ पार्टी तो करने वाले हैं लोग, बट क्या अब ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था मेरे लिए, बिकॉज यू नो फॉर मी, अगर इन्होंने मेरे से एक बार पूछा था कि क्या करना है, पार्टी करनी है, तो मैंने बोला था कि प्लीज़ भाई हाथ जुड़वा लो, मैं घर पे ठीक हूँ, मैं सोऊंगा नॉर्मल उठूंगा, जैसे मैंने बिग बॉस में भी किया था। जब मैं, मेरा बर्थडे था तो मैं सबसे दूर हो गया था कि मैंने कहा मेरे को प्लीज़ स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना यार, मुझसे नहीं होता है सब कुछ, लेकिन फैमिली मानती नहीं, तो ठीक है मैंने कहा चलो आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है, जो जैसे आपको सही लगे करो भाई, मेरे को मत बताओ। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे भी अच्छा लगता है वैसे भी अच्छा लगता है, दोनों बातें अच्छी हैं, सो कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। यदि लास्ट एक साल की मैं बात करूं, जिस तरह बिग बॉस की जर्नी थी, खतरों के खिलाड़ी, नागिन, एक स्पेशल जर्नी, और साथ ही साथ जो भी आपके इंडिपेंडेंट सॉन्ग आते हैं काफ़ी, जितना प्यार आपको मिल रहा है, 2023 भी आने वाला है, क्या कुछ आपने प्लान किया अपने लिए, फैंस के लिए, अगर कुछ आप बताना चाहूँगा? मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ प्लान नहीं किया, और बिना प्लान करे यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो बिना प्लान के ही आगे चल रहा हूँ, एंड प्लान करने वाला ऊपर वाला है, तो उसी के प्लान के हिसाब से हम चल रहे हैं। और क्या क्या कुछ आने वाला है स्पेशल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ? करेंगे बात इस बारे में, बिल्कुल हम मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिलते रहेंगे। बचपन में तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बट बड़ा होने के बाद तो इसने मिलना जुलना ही बंद कर दिया कि मेरे को जाना नहीं पार्टी वार्टी में, ये तो मेरे जिद थी कि मुझे करना है, मुझे सबसे मिलना है, तो ये थोड़ा इसको समझाया हमने, अभी भी इसको वो नहीं था। यही बहुत है मेरे लिए, मेरा प्यार, मेरे को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं ना किसी, मैं मुझे लगता है कि मटेरियलिज्म जो है वो, अगर आप दिल से किसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, चाहे आप एक रुपए से भी कम की चीज़ दे रहे हैं, तो वो मायने रखता है, वो प्यार मायने रखता है, एक ऑनेस्ट एफर्ट मायने रखता है, दैट्स ऑल। गिफ्ट मायने नहीं रखते यार, वो सब क्या है, ये प्यार ही तो है ये सब कुछ। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग एंड आई फील ग्रेट अबाउट ऑल माई सॉन्ग्स,
एंड आई बिलीव ऑल माई सॉन्ग्स आर अमेजिंग एंड दे आर ग्रेट बिकॉज इफ दे वर नॉट देन आई वुड नॉट डू देम सो दे आर ऑल ग्रेट या I would just like to say that on the occasion of my birthday, which was yesterday, and Christmas is coming, New Year is coming, तो उसके उसके occasion पे आप लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं and God bless you all. Always be happy, always be blessed, always be healthy, and thank you so much for always loving me and supporting me and all my family. Thank you so much, Prateek fam. मम्मी सेंटर में नहीं ना तू आ ना तेरे बहुत ही कम ना शिफ्ट हो जाइए आप इधर आ जाओ